जैसे कि हमारे पास उपलब्ध है कि ब्रॉडबैंड फरो है, रिजेक्शन फरो मेथड है, या रेज संकन बेड मेथड है। इसको हमको अपनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये दोनों एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर हमारे फसल अच्छे से उपज दे पाए। इससे अलावा हमारे पास जो है, अगर हमारे पास ब्रॉडबैंड फरो मशीन नहीं है, तो तब हमको कंजर्वेशन फरोज बनाना पड़ेगा कि 6 से 8 मीटर दूरी सोयाबीन की कतारी के बाद एक हमको देसी प्लो यूज़ करके फरो ओपन करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, जब भी ज़्यादा बारिश हो के जो पानी बह जाता है, वो एक्सेस पानी जो फरो के माध्यम से आपके खेत से बाहर निकल आ जाएगा। और जब भी कम बारिश आता है, जो भी बारिश की पानी जाता है वो पूरा खेत के अंदर ही रहेगा, और कम से कम 15 से 20 दिन तक बारिश नहीं आता, तो तब भी आपको आपके खेत के अंदर नमी बना के रखेगा और पौधों को मिलते रहेगा। इससे अलावा हम वराइटल कैपेटेरा भी हम अपना सकते हैं। इससे अलावा हम सोयाबीन के अंतर्गत फसल भी अन्य फसल भी ले सकते हैं, जैसे कि मक्का है, तूर है, कपास है या ज्वार है। ये 4:2 लाइन में हमको सोयाबीन के अंदर अंतर्गत फसल ले सकते हैं।